गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट लॉर्ड आकाश और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं टू द सेमीफाइनल्स ऑफ एमजीआर प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट टाइटल बीइंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन। वेल पिछले हफ्ते हम लोगों ने देखा जहां 16 कंटेस्टेंट्स में से 6 कंटेस्टेंट्स का जर्नी वहीं पे खत्म हुआ। आज हमारे बीच है हमारे टॉप 10 फाइनलिस्ट जो कि आज के सेमीफाइनल में भिड़ेंगे ताकि वो अपने जगह ग्रैंड फिनाले में बना सके। जितने भी दर्शक हैं आप सभी को मैं बता दूं कि आज हमारे बीच होने वाला है सेमी क्लासिकल राउंड जहां हमारे कंटेस्टेंट्स गाएंगे सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स। तो जानने के लिए कि इन 10 कंटेस्टेंट्स में से कौन अपनी जगह ग्रैंड फिनाले में बनाता है, चलिए हम शो की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं हमारे सबसे पहले कंटेस्टेंट ऑल द वे फ्रॉम त्रिपुरा, तापस देव वर्मा का। तापस, literally I had goosebumps. Usually ये होता नहीं है मेरे साथ, लेकिन आपको आपके सॉन्ग को जो है बैकस्टेज में सुनकर मेरे लिटरली goosebumps खड़े हो गए यार। फर्स्टली आप अपना फीलिंग बताइए कि सेमीफाइनल्स में आकर आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है, व्हाट डू यू फील एग्जैक्टली राइट नाउ, ये मोमेंट में आप क्या फील कर रहे हैं? पहले से अब
अभी ज्यादा और भी कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ने लगा है. ओके. मैं तो चाहता हूँ कि सामने कैसे जाए और कैसे अच्छे से और भी परफॉर्म करे. मैं भी यही चाहता हूँ. और हाँ, बस इतना ही सर. ओके, डेफिनेटली अब आगे जाएंगे तो चलिए हम सीधे बढ़ते हैं हमारे जजेस की ओर और पूछते हैं हमारे जजेस से कि आपका ये जो कि आज के हमारा सेमीफाइनल्स का सबसे पहला परफॉर्मेंस है वो आप हमारे जजेस को कैसा लगा. तो आई वुड लाइक टू आस्क आवर जजेस, बताइए तापस का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा. अंतरा में फ्लैट था आपका, मुझे थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम लगा क्योंकि स्टेज में आके एकदम नो कॉम्प्रोमाइज और अपने आप को सिर्फ आपको पॉजिटिव साइड ही बताना है. बट आउट ऑफ दैट फीलिंग्स वाज ऑसम. जैसे आपने एंड किया, सो ब्यूटीफुल, सो सोलफुल. बट आपकी गायकी के हिसाब से, मतलब सेमीफाइनल तक आते आते आपका आवाज़ इतना ज़्यादा पॉलिश हुआ है. आई रियली लव्ड इट. अगर आप एक दिल है, एक जान है, ये जो ये अगर उसमें भी रखते तो बहुत अच्छा सुनता एक्चुअली. एक दिल है, एक जान है, ऐसे रखने से दादा ये रखते ना तो और भी अच्छा से कनेक्ट होता. बट स्टिल वेलकम टू सेमीफाइनल, लेट्स सी क्या होता है. ओके, थैंक यू सो मच तापस. आप बैक स्टेज में जाके अपने रिजल्ट्स के लिए आप पॉजिटिवली वेट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. एक बार जोरदार तालियां हो जाए तापस के लिए. एंड मीनवाइल चलिए हम बुलाते हैं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट को. लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्होंने क्वार्टर फाइनल से बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस देने के बाद अपनी जगह टॉप 10 में बनाए थे. तो आइए हम देखते हैं कि क्या वो आज भी उतना ही दमदार परफॉर्मेंस देकर अपनी जगह ग्रैंड फिनाले में बना पाते या नहीं. जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए सूरजीत बिस्वास का. Yeah.
सूरजीत, आई पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग एंड मेरे लिए आपने इसे बहुत ही खूबसूरती से गाया है. थैंक यू. तो सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको आज यहाँ पे सेमीफाइनल्स पर पहुँचकर आपको कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील? सेमीफाइनल में आया वो तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी है, क्योंकि बहुत टफ कॉम्पिटिशन हो रहा है, सभी अच्छे गा रहे हैं, फिर भी मैं अपने बेस्ट देने का ट्राई किया फुल्ली. ओके, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो हु डू यू थिंक इज योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर? हमारे जितने भी 10 कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से आप किसको अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं? मुझे छोड़ के बाकी 9 को मैं टॉप कॉम्पिटिटर मानता हूँ. दैट्स रियली यूनिक आंसर. तो चलिए हम सीधे बढ़ते हैं हमारे जजेस की और उनसे पूछते हैं कि आपका लाल इश्क उनको कैसा लगा. सो जजेस, बताइए हमारे सूरजीत का यह सॉन्ग आप हमारे जजेस को कैसा लगा? हाँ सूरजीत. यस सर. हम लोग पहले भी कहा और आप भी एडमिट किया चीज़ को कि 10 का 10 सब अच्छा गाने वाले हैं. अभी सेमीफाइनल तक आप लोग आया है. आप अच्छा नहीं गाने से ये लेवल तक नहीं पहुंचना था. सब अच्छा गाते हैं, बस ये नर्वसनेस के वजह से या कुछ अंडर रिहर्सल अगर होता है, कहीं ना कहीं अगर गलती करता है तो उसको हम लोग देखना पड़ता है. अभी स्ट्रिक्टली हम लोग को बोलना पड़ेगा. अभी हम लोग बहुत अच्छा लगा वैसे बोलने से शायद काफ़ी नहीं है, तो इसलिए हमको सिर्फ 5 भेजना है, इसलिए स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा. यू शुड नॉट माइंड अबाउट दैट. ओके, तो इसलिए आपको नर्वसनेस के वजह से शायद हमको ऐसा लगा सेकेंड अंतरा में कहीं एक ब्रीथिंग आपका होल्ड नहीं कर पाया आप एक लाइन में. अब महसूस किया है कि नहीं? हाँ सर, महसूस किया है ना. यू आर एडमिटिंग इट. आप ब्रेथ को होल्ड नहीं कर पाया कम्प्लीटली, आप लास्ट तक होल्ड नहीं कर पाया. दैट आई हैव नोटेड. और ये गाना जो है इतना फीलिंग वाला गाना है. हम फील किया, काफ़ी हद तक फील किया, 80% तक, 100% नहीं हुआ है फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन अच्छा लगा. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सो मच सूरजीत. आप बैकस्टेज जाके वेट कीजिए अपना रिजल्ट्स का पॉजिटिवली. चलिए हम शो को आगे बढ़ाते और बुलाते हमारे अगले कंटेस्टेंट. लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्होंने क्वार्टर फाइनल्स में बड़े ही भारी मात्रा के साथ वोटिंग इकट्ठा करते हुए अपनी जगह सेमीफाइनल्स में बनाए थे. तो आइए आज हम देखते हैं कि क्या इनके परफॉर्मेंस के द्वारा ये ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं. जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए अरुणाचल प्रदेश से जीके भाई का. तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं,
आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको जान रे इन सांसों में बस जा तू चांद रे आजा दिल की जमीन पे तू चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू या फिर ऐसा कर धरती से तू ही रे तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको सांसों का देखो तुम पागलपन के आए नहीं इन्हें चैन मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी अपने बिछा दूं ये नैन इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं अगर तुम ना तुम उधर जाना उम्मीद मेरी जो तोड़ो इधर ये जहां छोड़ू मैं मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे जीके भाई, आज आपके नाम को मैं जीके भाई इस तरह से कहना चाहता हूं क्योंकि आपने आज बहुत ही एक सुंदर सा परफॉर्मेंस दिया है. एंड फर्स्ट आप बताइए कि आपने ये सॉन्ग क्यों चुना था. इज देयर अ पर्टिकुलर रीजन कि आपने आज के सेमी क्लासिकल राउंड में इस गीत को चुना. हाँ, ये गाना बहुत ही, पता नहीं कोई रीजन नहीं, बट ये गाना जब भी सुनता है बहुत हार्ट टचिंग होता है. सो ओके, डेफिनेटली ये हमारे भी दिलों को काफ़ी हद तक छूता है. एंड आपने जिस तरह से इस गाने को निभाया मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ. लेकिन चलिए हम सीधे बढ़ते हमारे जजेस की और उनसे पूछते हैं कि सेमीफाइनल्स में आपका आज का ये परफॉर्मेंस उनको कैसा लगा. सो जजेस, या व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आंटी जी टू हरिहरन जी का तू ही रे. जैसे आपने बोला कि हार्ट टच होता है, इट एक्चुअली डायरेक्टली टच्ड माई हार्ट. थैंक यू. और मेरा गूज बम्प आ गया, आई एम टेलिंग यू. और बिकॉज फ्रॉम मेगा राउंड मैं जीके को जान पा रही हूँ एंड द काइंड ऑफ जोनर एंड द काइंड ऑफ प्लेस ही बिलोंग्स टू, दिस इज नॉट हिज जोनर ना. तो ये इसके लिए क्या होता है, कभी कभी बैकफायर भी कर देगा और इस लेवल पर आके. और अब जितना गा रहे हो मैं उतना, मतलब आई वॉज थिंकिंग कि फिनिश ही ना हो ये गाना. और जो अपना बना के गाया ना आपने, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस. बल्कि एक दो जगह मुझे लगा कि आपका वो जो गायकी क्लीनर हो सकता था किस किसी, जैसे कि या फिर ऐसा कर, ये क्लीन हो सकता था. बट आई माइनस दिस
to the feelings you have given. Thank you. I can see new JK Bhai. This boy can do anything. So this is the level of Northeast Idol. I salute you and 110% for the feelings, JK. I'm really proud that aap is level pe aake ye wala performance diya. So proud, so thank proud. You. Thank you, ma'am. Yeah. JK. Ji sir. Abhi ये गाना सुनने के बाद अगर मैं कुछ ना बोलूं मैं मेरा नींद नहीं आएगा रात को एज रेमंती ने जो बोला है कि दिल को टच किया है आपको विश्वास हमको विश्वास नहीं हुआ है कि आप ये गाना को इतना सुंदर निभाएगा सही है थैंक यू सो मच बहुत सुंदर निभाया और मेरा सिर्फ गूज़बम्प्स नहीं सिर्फ गूज़बम्प्स नहीं मेरा आंखों में थोड़ा आंसू भी निकल के आ गया और इसलिए मैं कह रहा हूँ इसलिए निकल के आया मेरा ये कहना है कि इस गाना को हरिहरन ने गाया सर हरिहरन के जगह में आपका वर्शन भी डाला जाए शायद ये इमोर्टल होता क्योंकि देयर वाज द पेन वाज देयर आई कुड फील द पेन थैंक यू सो मच थैंक यू इन दिस सॉन्ग इट थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग और वो पेन जो सर बोल रहे हैं ना यहां पे कुछ अटका हुआ ना Like आंसू निकल भी नहीं रहा अंदर भी नहीं जा रहा that kind of that power is आवाज टूट रहा था कहीं ना कहीं लेकिन वो अच्छा लग रहा था okay thank you so much और मैं भी कुछ बोल देता हूँ जी सर सबने कुछ बोला तो आपको बोलूँ जीके जी जीके भाई सॉरी जीके बोलने से अच्छा नहीं लगता जीके भाई बोलने से अच्छा लगता है जी सर कुछ कुछ नोट्स जो आपने लिया ना जैसे लास्ट जो नोट्स है ना जी गाने का जो लास्ट लाइन का नोट्स जो आपने लिया वो अपने हिसाब से आपने लिया जी बहुत अच्छा लग रहा था थैंक यू सो मच ठीक है जीके भाई ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच ओके तो जीके भाई आज के लिए आपके लिए बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि देने वाला जब भी देता है सब कुछ फाड़ देता है मैंने कुछ गलत कहा शायद ओके देने वाला जब भी देता है देता छप्पड़ फाड़ के ओके जहां लोगों को एक जज फुल्ली कम्प्लीमेंट नहीं कर पाते आपको तीनों जजेस ने बहुत ही शाबाशी दी आपको क्या लगता है आपका स्पॉट जो है ग्रैंड फिनाले में फाइनल व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट आई हैव नो आइडिया ओके डेफिनेटली ओके जाने से पहले आप बताइए कि आप सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन किसको मानते हैं इन टॉप 10 में से सबसे सभी बहुत अच्छे सिंगर्स है आई Honestly, I feel I'm the lowest one. okay, लेकिन आज के इस हमारे जजमेंट के बाद I believe कि आपका मॉरल बूस्ट जो यहाँ से वहाँ तक चला जाएगा जरूर ओके थैंक यू सो मच जीके भाई आप जाके बैठ सकते हैं एक बार जोरदार तालियां हो जाए जीके भाई के लिए तो लेडीज एंड जेंटलमैन चलिए हम शो को आगे बढ़ाते और बुलाते हमारे अगले कंटेस्टेंट क्वार्टर फाइनल्स में इन्होंने हमारे जजेस से शाबाशी लेने में नाकाम रहे वही हमारे ऑडियंस के वोटिंग के थ्रू और हमारे जजेस के मार्किंग के बेसिस पर इन्होंने अपनी जगह टॉप 10 में बनाई थी लेकिन आज क्योंकि यहाँ पर टॉप 5 क्लियरली हमारे जजेस चुनेंगे तो आइए हम देखते हैं कि क्या हमारे जो अगले कंटेस्टेंट है वो अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पर अपनी जगह टॉप 5 में बना पाते या नहीं जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए सिक्किम से अनूप तामंग का दिल मुबारक हो यही तो
प्यार है ऐसा लगता है क्यों तेरी आंखें जैसी आंखों मेरी रह गई कभी पहले मैंने ना सुनी जो ऐसी बातें कह गई तू ही तू है जो हर तरफ मेरे तो तुझसे परे मैं जाऊं कहां मेरे दिल मुबारक हो यही तो प्यार है मेरे दिल मुबारक हो यही तो प्यार है थैंक यू ओके अनूप सबसे पहले आप बताइए कि आपके लिए सेमी क्लासिकल एंड क्लासिकल जो ये जॉनर है उसको निभाना आपके लिए कितना तकलीफ है बिकॉज आई बिलीव दैट यू मोस्टली आप गाते हो बॉलीवुड स्टाइल रॉक स्टाइल तो आपके लिए सेमी क्लासिकल और क्लासिकल निभाना कितना मुश्किल है बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है अगर आपको रेट करना हो कि इतना से इतना करें तो कितना करेंगे आप जैसे कि इतना मुश्किल है या इतना मुश्किल है या फिर इतना मुश्किल है कितना करेंगे आप इतना छोटा सा ओके बहुत ही छोटा सा तो चलिए हम जानते हैं हमारे जजेस से कि आपका आज का परफॉर्मेंस उनको कैसा लगा सो आई वुड लाइक टू आस्क आवर जजेस बताइए हमारे इस नन्हे मुन्ने अनूप का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा अनूप सर प्यारा सा अनूप शर्मिला जब इंटरल्यूड आते हैं फिर एकदम स्टिफ होके खड़ा होते हैं फिर जब गाना शुरू होता है फेस में एक्सप्रेशन आ जाते हैं बहुत अच्छा लगता है उस समय और दूसरी बात जो रेमंती से मैं बात कर रही थी कि उनका आवाज़ फटा हुआ है क्या बोला है कि ओरिजिनल आवाज़ ही ऐसा है तो ऐसा बहुत लोग अच्छा अच्छा गायक लोग का आवाज़ ऐसा होता है थोड़ा थोड़ा फटा हुआ होता है लेकिन उसका खूबी वही है वो इस खूबी को अगर आप फीलिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा ये एक चीज़ आप इसको महसूस करना चाहिए तो फील जो है हमको उतना महसूस नहीं हुआ है कनेक्ट नहीं कर पाया हम थोड़ा सा अदरवाइज आपने अपना तरफ से शायद बेस्ट दिया है थैंक यू सर अनूप आपको हम लोग इंडियन ब्रायन एडम्स बोलेंगे हाँ आप गा सकते थे और ज़्यादा उसको अच्छा से गा सकते थे ठीक है स्माइल थोड़ा कीजिए जैसे आकाश ने बोला आप नन्हे मुन्ने हो नन्हे मुन्ने कहाँ से दिखते हैं इतना लंबा है भाई ऑल द बेस्ट थैंक यू सर ओके अनूप थैंक यू सो मच तो आप बैकस्टेज जा सकते हैं एंड वेट कीजिए आपने रिजल्ट्स का पॉजिटिवली थैंक यू सो मच एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे अनूप तामंग के लिए फ्रॉम सिक्किम तो चलिए हम शो को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन इन्होंने अपनी जगह टॉप 10 में डायरेक्टली जजेस के मार्किंग के बेसिस से बनाए थे यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे जजेस को इनका गाना बहुत ही पसंद आया था चलिए हम आज देखते हैं कि क्या वो आज भी हमारे जजेस को इम्प्रेस करके अपनी जगह टॉप 5 में बना पाते या नहीं जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए निकिता देवनाथ का नजर जो तेरी दागी मैं दीवानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई मशहूर मेरी इश्क की देखो कहाँ चली आई
दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई. थैंक यू. वेल निकिता, आपके इस सॉन्ग के बाद डेफिनेटली मैं आपका दीवाना हो गया, जो कि मैं पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा. बस एक ही सवाल है आपसे, बस इस सवाल का जवाब दीजिए कि दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा मोम के पल में पिघल जाओगे. मैं आग दिल में लगा दूंगा मोम. ये मोम कहाँ से आ गया भाई? I'm really sorry sir. एक्चुअली इतने खूबसूरत लड़की को अपने पास में देखकर मैं लिरिक्स भूल गया सर. ये तो आप हमेशा बोलते हैं यार. तो चलिए ये तो था फन पार्ट, हम सीधे बढ़ते हमारे जजेस की ओर. जानते हैं उनसे कि आपका ये दीवानी मस्तानी उनको कैसा लगा. तो जजेस बताइए, निकिता का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा? आई फाउंड आपका ब्रीदिंग में मुझे आज का गाने में बहुत प्रॉब्लम लगा. जैसे कि आपका मतलब आप निभा रहे हो लेकिन उसको ब्रीदिंग में कट 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 करके, मतलब क्या होता है ना कि ये कट करने से आपका फील माइनस हो रहा था. आप हमको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मुझे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे. तो जैसे चली आई दर दादा, मतलब ये थे ना, आप माइक्रोफोन दूर कर रहे थे, दैट इज़ एक्सेप्टेड, लेकिन दूर करते वक्त भी वो होना ज़रूरी था सो दैट रिवर्व होके आपका लास्ट नोट तक हमको मिल ले, वो नहीं हो रहा था. तो इट वॉज अ मिक्स्ड काइंड ऑफ फीलिंग मेरे लिए. आप आ रहे थे फिर जा रहे, आ रहे थे जा रहे थे. और दीवानी हो गई ये वाला हो है ना, उसमें और भी मिठास चाहिए था. सर भी मुझे बार बार बोल रहे थे अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ. तो इसलिए अभी मैं मिक्स्ड फीलिंग में हो गई हूँ, बिकॉज निकिता इज़ नॉट समवन जो ऐसा गाना गाएगी. शी विल डू 100%, 100 से भी ज़्यादा. तो जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा कम लगा मुझे आज का परफॉर्मेंस. सो लेट्स सी क्या होता है. ओके ओके निकिता, थैंक यू सो मच. आप बैकस्टेज जाके बैठ सकते हैं एंड पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कीजिए अपने रिजल्ट्स का. तो चलिए हम शो को आगे बढ़ाते और बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट. लेडीज एंड जेंटलमैन, वो कहते हैं कि छोटे बॉम बड़ा धमाका. यही बात को प्रूव करने के लिए अभी हमारे बीच जो अगले कंटेस्टेंट आ रहे हैं ऑल द वे फ्रॉम असम, जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए त्रिशा कश्यप का.
कभी ना एक पल भी मैं जुदा। तू ना जाने आस पास है खुदा, 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 तू ना जाने आस पास है खुदा। ओके त्रिशा, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप जो कि नॉर्थ ईस्ट आइडल सीजन 1 2019 के सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट हो, प्लस आपने अपनी जगह टॉप 10 में बना ली है, आपका फीलिंग क्या है करंटली? व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट में टॉप 10 में आ पाई हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओके, इसी खुशी और इसी मुस्कान को बरकरार रखना। तो चलिए सीधे बढ़ते हमारे जजेस की और उनसे पूछते हैं कि आपका परफॉर्मेंस आज का सेमीफाइनल का परफॉर्मेंस उनको कैसा लगा। ऑल राइट त्रिशा जी सर, अगेन बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। और ये सीजन खत्म होने के बाद विल बी मिसिंग यू अ लॉट। थैंक यू सर, है ना, ये सीजन मिस यू टू सर। हाँ, चलते रहने से अच्छा था, लेकिन नहीं हो पाएगा ऐसा मुझे मालूम है। और गाने के बारे में, आप यंगेस्ट पार्टिसिपेंट हो जी सर, और फिर भी इतना अच्छा गाया, ये गाना में और भी फील होना चाहिए था जी सर, ज़रूरत था ये गाना में फील, वो फील इसलिए नहीं दे पाया क्योंकि एज फैक्टर भी है, यो समझ अभी तक, वो एक्सपीरियंस अभी तक आपका नहीं हुआ है, तो दैट कैन बी फॉरगिवन, बट स्टिल जजमेंट इज जजमेंट, आई हैव टू से समथिंग। सो द फील हमको नहीं मिला थोड़ा सा, और एक दो जगह में भी फ्लैट हमको लगा है। बेटी, स्टिल देर इज टाइम, लॉन्ग वे टू गो, ओके, ये सब चीज आप सीखोगे फ्यूचर में भी। ऑल राइट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच त्रिशा, आप बैक स्टेज वेट कर सकते हैं। हमारे जजेस के कमेंट्स को पॉजिटिवली ले, इन्हें अपने लाइफ में जो है यूज करें ताकि आप आगे उन मिस्टेक्स को दोबारा कमिट ना करें। तो चलिए हम शो को आगे बढ़ाते और बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जाने जाते हैं अपने कंसिस्टेंसी के लिए। मेगा ऑडिशन से लेकर अब तक इन्होंने अपने हर एक परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली बहुत ही बेहतर बनाया है, हमारे जजेस ने भी बहुत बार इनको तारीफ दिया है। तो आइए देखते हैं कि क्या वो आज भी उतना ही उम्दा परफॉर्मेंस देकर अपनी जगह टॉप 5 में बना पाते या नहीं। जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए अरुणाचल प्रदेश से मीनम गोए का। जिया जली जाम जली नैनो तली धुआ जली धुआ जली पुंजरे दंजे कुंजे क्यों मुंदरे बत्तले छिन्ने क्यों मंजरी बरना छुंदरी वावे तांदे नक तक तुम याडू तंगने लावे होई पुंजरे दंजे कुंजे क्यों मुंदरे बत्तले छिन्ने क्यों मंजरी बरना छुंदरी वावे तांदे नक तक तुम याडू तंगने लावे तंगा कोल सल्ले कुंजम कोई लल्ले मारना मैं लल्ले होई तंगा कोल सल्ले कुंजम कोई लल्ले मारना मैं लल्ले जिया जली जाम जली नैनो तली धुआं चली धुआं चली रात भर धुआं चली जानू ना जानू
Kimina, first thing that I would like to admit is you're totally looking beautiful today. Thank you. You're looking extremely beautiful. And secondly, aaj aap Arunachali kam South Indian zyada lag rahe the. Aapke geeton ke dauran. That was a really fabulous song. Ek baar zordaar taaliyan ho jaye Meenam ke liye. Well, Meenam, aap jaane jaate apne consistency ke liye. Agar aap aaj semi-finals ko cross karke grand finale mein apni jagah banate ho, so aap iska credit kisko dena chahoge sabse pehle? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को ओके दे डिजर्व इट इतना सपोर्ट लाइक सो मच ऑफ लव फॉर माय पेरेंट्स ओके एक बार इनके मीनम के पेरेंट्स के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए पहले तो सो मीनम मैं तो यहाँ पे जज नहीं हूँ आपके आपका जो आपने जो गाया मुझे डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया लगा लेकिन चलिए हम सीधे बढ़ते हमारे जजेस की ओर उनसे पूछते हैं कि आपका जो ये जिया जले उनको कैसा लगा तो जजेस बताइए हमारे मीनम का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा As आपने already बोला कि she is a consistent performer, so इसमें doubt नहीं है and उनको जो भी गाना मिलता है ना वो अपना बना के गाती है सुनती है I don't know that you need to listen to song more than 100 times then make that song कि आप होते तो कैसे गाते तो मीनम ने ये गाना को अपने तरीके से गाया और इतना मिठास से गाया pronunciation perfect even the another version jo tha that was too perfect and expressions bas mera ek aapko bolna hai jo we are in a breathing usko control karna sikho aap that should not come out wo bhi ek aapka aage jaake that may be ek rukawat hota hai I know breathing mein problem hai kyunki ek hi saans mein itna gana gana is that to one take mein bahut mushkil hai लेकिन आप इतना आ चुके हो तो ये तो पीनट की तरह है ना दैट यू कैन माइनस दिस विद मोर एंड मोर प्रैक्टिस ओवरऑल लुकिंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड आई रियली लव्ड योर परफॉर्मेंस टुडे थैंक यू गुड लक ओके थैंक यू सो मच मीनम तो आपको हमारे जजेस की तरफ से काफ़ी तारीफ मिले तो आप रिजल्ट का पॉजिटिवली वेट कीजिए आप बैक स्टेज में वेट कर सकते हैं थैंक यू सो मच तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मीनम गोय फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश तो चलिए हम शो को आगे बढ़ाते और बुलाते हमारे अगले कंटेस्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन इन्होंने भी अपनी जगह टॉप 10 में हमारे जजेस के मार्किंग प्लस जिनको जनता ने चुना उनके बेसिस में इन्होंने अपनी जगह टॉप 10 में बनाई थी तो आइए हम देखते हैं कि क्या वो अपने परफॉर्मेंस के वजह से आज अपनी जगह टॉप 5 में बना पाते या नहीं जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए सिसेर थातल का तेरे नाना धूम तो ना तेरे नाना धूम तो ना तेरे नाना ते धूम तो ना तेरे नाना धूम तो ना तेरे नाना ये हौसला कैसे झुके ये आरजू कैसे रुके ये हौसला कैसे झुके ये आरजू कैसे रुके मंजिल मुश्किल तो क्या धुंधला साहिल तो क्या तन्हाए दिल तो क्या Yeah.
Thank you so much. Well, Shishir, सबसे पहले आप बताइए कि आप ये सॉन्ग किसको डेडिकेट करना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत ही भावुक होकर ये गीत गाया. I can feel that because I literally was, you know, feeling melancholy. Actually, ये सॉन्ग मैंने किसी को डेडिकेट किया है. Most, first of all, डेडिकेट जो जो मेरे दोस्त नहीं हुए, मैं ये गाने के साथ ये भी बोलना चाहता हूँ कि यार गिरते तो सब लोग हैं मगर उड़ते बहुत कम लोग हैं. तो मैं भी गिरूंगा, मैं भी बहुत गिरा हूँ यार, बहुत लाइफ में बहुत गिरा हूँ, रिजेक्ट बहुत हुआ हूँ, अभी भी पता नहीं, मगर उठ के जो चलता है ना यार लाइफ में, शायद उसका थोड़ा भी नाम होता है जैसा लगता है मुझे. सो ओके, दैट्स रियली वंडरफुल टॉक. एक बार जोरदार ताली हो जाए शिशिर के लिए, बिकॉज आई रियली फेल्ट इन द बैक स्टेज कि आप ये गीत जो है बहुत ही भावुक होकर गा रहे थे. एंड आई लिटरली एंजॉयड योर सॉन्ग शिशिर, दैट वॉज रियली मार्वेलस, बट दैट्स फॉर मी. तो चलिए हम सीधे बढ़ते हमारे जजेस की ओर और पूछते उनको कि हमारे शिशिर का परफॉर्मेंस बताइए जजेस, आप सभी को कैसा लगा. देखिए ये गाना मुझे बहुत पसंद है. yes. ठीक है, आपने ये गाना दिल से गाया, फील भी ठीक था, लेकिन आपको मैंने जैसे बताया आपको प्रोनाउंसिएशन में, अपने डिक्शन में बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि आप इतना अच्छा गाते हो लेकिन आपका डिक्शन के लिए गाना खराब हो जाता है. समझ गए, जैसे आपने ये नोट लिया, राह में कांटे बिखरे अगर रे अगर, ये सब नोट है ना, बहुत अच्छे से आपको लगाना पड़ेगा नहीं तो गाने का फील एकदम चला जाता है. ओवरऑल मैं क्या बोलता हूँ कि आपने गाना अच्छा गाया, बुरा नहीं गाया, लेकिन आपका जैसे मंजिल मंजिल मुश्किल मंजिल मंजिल को आपने मंजिल बार बार मंजिल मंजिल बोले, तो ये आपको सीरियसली लेना पड़ेगा. आपका डिक्शन आपको करेक्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका अच्छा गाना खराब हो रहा है. ठीक है, तो ओवरऑल देखिए मैं बोलूँगा आपने अच्छा गाया लेकिन डिक्शन भी मैं मतलब मैं एकदम 50-50 ऐसा होके रखा. सो आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट बट स्टिल I wish you all the best. Thank you so much. Okay, thank you so much, Shishir. आप जाके backstage बैठ सकते हैं. Wait कीजिए अपने results का positively. तो चलिए हम show को आगे बढ़ाते और बुलाते हमारे अगले contestant, ladies and gentlemen. हमारे जो अगले contestant हैं, इन्होंने भी अपनी जगह top 10 में हमारे judges के basis पे अपने बनाया था. क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा रहा, हमारे जजेस ने डिसाइड किया कि इनको सीधे टॉप 10 में भेजा जाए. और इसी के मद्देनजर रखते हुए चलिए हम आगे बुलाते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट. जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए प्रीतम राय का. ओ रे पिया ओ रे पिया है ओ रे पिया ओ रे पिया है ओ रे पिया से ये हौस
फासला रे ओरे पिया है ओरे पिया nire re re ga 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 ma 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 pa 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 ma ga re sa sa re re sa ga ga re ma ma ga pa pa ma dha da pa ni ni dha da pa pa sa ma pa da ni sa re ni sa 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 बुनती हवा है बुनती हवा बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ साजिश में शामिल फर्स्टली बताइए कि आपने ये सॉन्ग क्यों चुना आज फाइनल आई मीन सेमीफाइनल्स के लिए आपने क्यों सोचा कि ये गीत जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट रहेगा आप बताइए आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कि ये सॉन्ग चॉइस का आपका रीज़न क्या था दिस सॉन्ग इज माय पर्सनल फेवरेट ओके एंड द कंपटीशन इज टफ सो दिस वॉज माई लिटिल एफर्ट ओके दैट वॉज रियली वंडरफुल और बताइए कि सिंस यू आर नाउ इन द सेमीफाइनल्स दैट इज द टॉप 10 आपको कैसा महसूस हो रहा है आप क्या फील कर रहे हैं इस वक्त सो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि लाइक आई हैव मेट डिफरेंट पीपल हु आर वेरी नाइस वेरी काइंड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स सो मुझे यही आके पता चला कि लाइक हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है यहाँ पे लाइक जो लोग है वो बहुत ही लाइक काइंड है सो आई एम वेरी ग्लैड दैट I personally feel that I feel very fortunate to meet them through this show. Okay, so lastly, आप बताइए कि अगर आप आज ग्रैंड फाइनल में अपनी जगह बनाते हैं तो इसका क्रेडिट आप सबसे पहले किसको देंगे Like in every show, मैं जहाँ भी शो होता है मेरा सो मैं हमेशा एक ही इंसान का नाम लेता हूँ वो है मेरा पापा सो ही रियली सपोर्ट मी वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं सो आई रियली थैंक हिम उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो इस शो के लिए तो उन लोगों ने पापा ने लाइक ही क्राइड है एंड ही टोल्ड मी दैट लाइक आई ऑलवेज ब्लेस यू सो दैट्स रियली स्वीट एक बार जोरदार ताले हो जाए प्रीतम के पिताजी के लिए अगर आप देख रहे हैं ये शो तो आपको मेरा सलाम क्योंकि आपने इतना टैलेंटेड बच्चा को जो है आपने आगे भेजा है अपने लाइफ में तो चलिए हम सीधा बढ़ते हैं हमारे जजेस की ओर पूछते हैं कि हमारे प्रीतम प्यारे का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा एक बार बताइए हमारे जजेस प्रीतम yes. मैंने आपका हिंदी फर्स्ट टाइम सुना है आप ऐसे ही बात करते हैं
आपने जो भी गाया बहुत अच्छा गाया और यू नो यू आर टू गुड दिस टाइम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हाँ और आपका नीचे का नोट्स जो खर्च होता है ना वो रिकॉर्डिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है. जब आप लो नोट्स गाते हो ना कभी कभी उसका ग्राफ छोटा हो जाता है, फिर आप जब हाई गाते हो तो बहुत बड़ ये हो जाता है कि नहीं. यस यस. तो इसका प्रैक्टिस हमेशा रखिएगा, ये प्लस पॉइंट है. ठीक है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच प्रीतम. आप पीछे जाके बैठ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. तो चलिए हम शो को आगे बढ़ाते और बुलाते हमारे आखिरी कंटेस्टेंट. वो कहते हैं कि अंत भला तो सब भला. चलिए देखते हैं कि क्या ये फ्रेज आज सच में यहाँ पे काम करता है या नहीं. तो जानने के लिए चलिए हम बुलाते हैं हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट ऑल द वे फ्रॉम सिक्किम, सूरज सेवा का. सावन बीत जाए पिहरवा, सावन बीत जाए पिहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेश पिया तुम, सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुझसे भूले ना, मोरा सैया मुझसे भूले ना, मैं जतन कर हारे, लाख जतन कर हार रहे, मोरा सैया मुझसे भूले ना, मोरा सैया मुझसे भूले ना. मुझसे भूले ना, मोरा सैया मुझसे भूले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रहे, मोरा सैया मुझसे भूले ना, मोरा सैया मुझसे भूले ना. थैंक यू. ओके सूरज, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कि आपको ये गाना गाकर कैसा लग रहा है आज? I felt very soothing. Okay. So, is there a particular reason that you chose this song? No, I simply can relate to the video. Like, when I watched the video, I could relate the lyrics with it. So, okay. Like, it was, I could feel it. Actually. Okay, semi-finals mein aakar aapka kya 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 khayal hai? Aapko kaisa lag raha hai yahan pe aakar? Mujhe abhi bahut acha lag raha hai idhar tak aake. बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे साथ, तो मेरे सीनियर्स भी हैं, तो बहुत मुश्किल होती है कभी कभी, लेकिन
मतलब थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी है, गाइडेंस भी है सबका. ओके, हमारे जजेस आपको कैसे लगे? जजेस एवरीबडी दे आर वेरी चार्मिंग, वेरी केयरिंग एंड देन वेरी फनी टू. ओके, आई एंजॉयड अ लॉट. ओके, और आपको ये हैंडसम एंकर कैसा लगा? थोड़ा सा फ्लर्टी. ओके, दैट वाज रियली स्वीट ऑफ यू. तो चलिए हम सीधे बढ़ते हैं हमारे जजेस की ओर, उनसे पूछते हैं कि आपका ये परफॉर्मेंस उनको कैसा लगा. उनके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे हमारे सूरज से समय लेकर. तो सबसे पहले मैं बढ़ना चाहूंगा हमारे जजेस की ओर, बताइए कि हमारे सूरज का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा. सूरज, मैं स्ट्रेट बोलूंगा. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वॉइस मुझे बहुत पसंद है. थैंक यू सर. ठीक है, आपका वॉइस बहुत पसंद है मुझे. आपने ये गाना बहुत ही अच्छा गाया और सबसे ज़्यादा मैं खुश इसलिए इस बात पे हूँ कि मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउंसिएशन के बारे में, एक बार मैंने परदेश अपने बोल दिया, फिर नेक्स्ट टाइम ने परदेश बोला, इसका मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ रखा है आपने. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. और सारा नोट्स फील मुझे बहुत अच्छा लगा. सिर्फ एक जगह मुझे लगा कि जावन भी तो जाए देरवा मन मेरा घबरा, ये जो नोट आपने सारा गाना अच्छा गाया, सिर्फ एक नोट इधर उधर हो सकता है, ये हम आप सब आपको माफ, लाइक यू नो आपने इतना अच्छा ओवरऑल इतना अच्छा गाया. सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. तो इन्हीं के साथ मैं आपको दरखास्त करूंगा, बैक स्टेज चाहिए, इंतजार कीजिए अपने. थैंक यू. वेल, हम सभी ने देखा हमारे टॉप 10 कंटेस्टेंट्स के परफॉर्मेंसेस. लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी दर्शक हैं, आप सभी को बता दो कि इन 10 कंटेस्टेंट्स में से आज हमारे बीच कुल मिलाकर 5 ही जाएंगे ग्रैंड फिनाले की ओर, यानी कि 5 कंटेस्टेंट्स जाएंगे अपने घरों की ओर. तो जानने के लिए कि वो 5 कंटेस्टेंट्स कौन होंगे जो अपनी जगह ग्रैंड फिनाले में बनाएंगे, कहीं जाइएगा मत, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आप सभी का मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं. तो द सेमीफाइनल्स ऑफ अमजी आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट आइडल बीइंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन. लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेक में जाने से पहले हम सभी ने हमारे टॉप 10 फाइनलिस्ट के परफॉर्मेंसेस देखे एंड नाउ आई हैव द रिजल्ट्स विथ मी इन माई हैंड. तो मैं सारे कंटेस्टेंट से दरखास्त करना चाहूंगा कि आप यहाँ मंच पे आइए. ऑल द 10 फाइनलिस्ट प्लीज कम ऑन द स्टेज. तो चलिए जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं आज के हमारे टॉप 10 फाइनलिस्ट का. एक बार जोरदार तालियां हो जाए देवी और सज्जनों. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द फाइनल मोमेंट व्हेन वी विल डिक्लेयर द टॉप 5 फाइनलिस्ट ऑफ फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट आइडल. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे जजेस के लिए भी ये काफी तकलीफदायक था इन 10 कंटेस्टेंट्स में से किन्हीं 5 को चुनना जो कि आगे जाके बनेंगे हमारे पहले नॉर्थ ईस्ट आइडल बीइंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द फर्स्ट कंटेस्टेंट जिन्होंने अपनी जगह ग्रैंड फिनाले में बनाई है बाय द डिसीजन ऑफ द जजेस, इट्स नन अदर देन द फर्स्ट कंटेस्टेंट हु हैज मेड हिज और हर स्पॉट इनटू द ग्रैंड फिनाले ऑफ फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट आइडल बीइंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन इज. Minam Goy from Arunachal Pradesh. A big congratulations to you, Minam, for making it to Grand Finals. And Minam, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा समय है. आप हमारे व्यूअर्स को अपील कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए वोट करें और ताकि वो आपको बनाए द फर्स्ट विनर ऑफ फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट आइडल बीइंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन. अभी आपके लिए अच्छा समय है, आप हमारे व्यूअर्स को अपने लिए वोट अपील कर सकते हैं. हेलो, नमस्ते अगम्प. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जजेस, आपने मुझे सेलेक्ट किया टॉप 5 के लिए एंड ऑल्सो द कमिटी की आपने ये यू नो इतना अच्छा शो हमारे लिए कंडक्ट किया जिसकी वजह से वी आर हियर टुडे. एंड फॉर माई डियर बिलवेड ऑडियंसेस आउट देयर लुकिंग एट मी राइट नाउ, लुकिंग एट अस राइट नाउ, लुकिंग एट आवर परफॉर्मेंस राइट नाउ, आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप चाहते हैं कि मैं यू नो नॉर्थ ईस्ट आइडल बींग नॉर्थ ईस्ट इंडियन का पहला यू नो हकदार बनूँ, आई रिक्वेस्ट कि मुझे ढेर सारा वोट करें. याद रखिएगा मेरा कोड नंबर है 06 एंड भूलिएगा मत, उसे भेज दीजिएगा 56263 पर. थैंक यू. थैंक यू सो मच मीनम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग इट टू द ग्रैंड फिनाले ऑफ फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट आइडल बीइंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन. लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरे कंटेस्टेंट जो हमारा मीनम को ज्वाइन करेंगे ग्रैंड फिनाले में इज
Ladies and gentlemen, there's no doubt in declaring these results, as our judges were really absolute and they were really clear selecting all these five contestants. The next contestant jinhone apni jagah grand finale mein banayi hai is... Ladies and gentlemen, it's Pritam Rai from Sikkim. Congratulations, Pritam, for making it to the grand finals of first ever Northeast Idol being Northeast Indian. ये बहुत ही proud moment है आपके लिए, आपके पिताजी के लिए, and अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है. अब हमारे viewers को आप vote appeal कर सकते हैं अपने लिए. Please do that. I'm really happy सभी के लिए. So and I really thank our respected judges. And मैं मेरे वोटिंग के लिए अपील करना चाहता हूँ. यदि आप मुझे फाइनल में विनर देखना चाहते हैं, अगर इफ़ यू वांट टू लाइक मेक मी अ विनर, सो आई जस्ट वांट टू से दैट यू कैन टाइप अ मैसेज, यू कैन वोट मी ऑनलाइन. फॉर दैट यू हैव टू जस्ट टाइप एन ई आई डी ओ एल एंड गिव अ स्मॉल स्पेस. Then type 07. 07 is my code, and send it to 56263. So मैं सभी से बोलना चाहूँगा, please मुझे ढेर सारा vote करें ताकि मैं अपने ये musical journey आगे बढ़ा सकूँ. Thank you. Okay, Pritam, that was a wonderful appeal. तो चलिए समय आ गया है हम declare करें हमारे third contestant, जो कि इन दोनों को join करेंगे हमारे grand finals में. Ladies and gentlemen, the third contestant who has made his or her spot into the top five is, ladies and gentlemen, it's none other than GK Bhai from Arunachal Pradesh. Congratulations to GK Bhai for making it to the grand finals. आपको पहले भी हमारे दर्शकों ने काफी भारी मात्रा में वोट देकर आगे बढ़ाया था. अभी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि आप दोबारा से फिर से पूरे इंडिया को आप अपील करें कि आपको वो वोट करें और आपको बनाए द फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट आइडल बीइंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन. चलिए आपके लिए अच्छा समय. बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ पिछले एपिसोड के जो जितने भी ऑडियंस मुझे पसंद किया और सपोर्ट किया, बहुत देर सारे वोटिंग्स दे के इस मुकाम तक पहुँचाया. और आगे मुझे फिर आप देखने के लिए मुझे वोट कीजिए. टाइप करिए एन कैपिटल लेटर एन ई आइडल स्पेस 13, याद रखे मेरा कोड है 13, और उसे भेज दीजिए 56263. और बहुत बहुत वोटिंग कीजिए, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है. थैंक यू. थैंक यू सो मच जीके भाई, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मेकिंग इट टू द टॉप फाइव ऑफ नॉर्थ ईस्ट आइडल बीइंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ओनली टू स्पॉट्स आर लेफ्ट एंड वी हैव अ टोटल ऑफ 7 कंटेस्टेंट्स इन आवर हैंड. अब इन 7 कंटेस्टेंट्स में से कौन आगे जाएंगे? Well, ladies and gentlemen, the fourth contestant jinhone apni jagah grand finale mein banayi hai is ladies and gentlemen, it's none other than Nikita Devnath from Tripura. So Nikita, now is the time for you. You can vote appeal to the audience that is watching you right now. To aapke liye acha mauka. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच जजेस फॉर सिलेक्टिंग मी. एंड नेक्स्ट, अगर आप लोग मुझे वोट करना चाहते हो और देखना चाहते हो मुझे एज अ विनर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट आइडल, देन प्लीज़ टाइप एन ई आई डी ओ एल फुली कैपिटल, देन गिव अ स्पेस एंड राइट 05, दैट्स माई कोड, एंड सेंड इट टू 56263. थैंक यू. एंड फॉर द लास्ट स्पॉट लेडीज एंड जेंटलमैन, उनको अनाउंस करने से पहले मैं आप सभी से दरखास्त करता हूँ कि आप ड्रिंक रूम में जाइए और वहाँ पे वेट कीजिए एंड खुशी मनाइए कि आपने अपनी जगह ग्रैंड फिनाले में बना ली है. प्लीज़ बैक से जाइए एंड ड्रिंक रूम में आप रेस्ट कीजिए. तब तक के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आप जितने भी कंटेस्टेंट सब आगे आइए, आप लोग ड्रिंक रूम में वेट कर सकते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, दीज आर द कंटेस्टेंट दैट वी हैव राइट नाउ. लेकिन इन सभी कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट अपनी जगह ग्रैंड फिनाले में बनाएगा. एंड द लास्ट कंटेस्टेंट जिन्होंने अपनी जगह ग्रैंड फिनाले में बनाई है by our judges' decision, ladies and gentlemen, it's none other than, put your hands together for the one and only Surajit Biswas.
A very big congratulations, Surajit, for making it to the top 5 of first ever Northeast title, being Northeast Indian. Well, abhi aapke liye ek bahut hi sunehra mauka hai. Aap pure awam ko aap apne vote appeal kar sakte hain. Aapke liye ek sundar sa mauka hai. Unko thank you bhi kahiye ki unhone aapke liye vote kiya aur aapko ye manch tak pahuncha. This is the right time. Aaj is stage pe main khade hoke main apne papa ko bahut zyada miss kar raha hu, kyunki 3 months mein nahi hua wo expired ho gaye. बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे वो मुझे, और मैं फिनाले में जीतूँ या ना जीतूँ, लेकिन ये खुशखबरी देने के लिए भी वो नहीं आज, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ. मैं पहले रेस्पेक्टेड जजेस को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा कि मुझे एक मौका दिया है फिनाले टॉप 5 में, और व्यूअर्स को भी जो लोग मेरे गानों को पसंद किया, वोटिंग किया सेमीफिनाले में पहुंचाने के लिए, उन लोग को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ. और स्पेशली मैं शाम के जो लोग व्यूअर्स है मुझे फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं, तो उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझे टॉप 5 में अगर विनर के स्पॉट में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा वोट कीजिएगा. और वोट करने के लिए टाइप कीजिए ब्लॉक लेटर में NEIDOL 19 इज़ माई कोड, और भेज दीजिएगा 56260 नंबर पे. थैंक यू सो मच. मैं और एक बार असम के व्यूअर्स के लिए SMS में बोलना चाहूँगा, অসমবাসী ৰাইজক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে মোৰ গীত ভাল পায় আৰু ফিনালেত নৰ্থ ইষ্ট টাইটেলৰ বঁটা অসমলৈ কঢ়িয়াই নিব পাৰোঁ, গতিকে আপোনালোকে অতি অতি বেছি ভোট কৰিব, আৰু ভোট কৰিবৰ কাৰণে টাইপ কৰিব ব্লক লেটাৰত NEIDOL 19. 19 ইজ মাই কোড, আৰু চেণ্ড কৰি দিয়ক 56260 নম্বৰ. থেংক ইউ ছ' মাছ. ओके सूरजजी, दैट वाज अ रियली वंडरफुल अपील. आप जाके बैक स्टेज अपने को पार्टनर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. कंग्रेचुलेशन फॉर मेकिंग इट टू टॉप 5. थैंक यू सो मच. एंड द रिमेनिंग कंटेस्टेंट्स, प्लीज अपना दिल छोटा मत कीजिए. एज आई सेड, ऑल ऑफ यू आर विनर्स एंड ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी फेस इन द एंटायर इंडिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सभी के लिए. रियली यहाँ तक आकर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना, इट्स मोर देन इनफ फॉर योरसेल्फ. ये आपके लिए एक बहुत ही गर्व की बात है. सो मैं बढ़ना चाहूँगा हमारे जजेस की ओर. आपको अगर इनसे कुछ कहना है, आप इनको कुछ कहना चाहेंगे. रियली इट इज़ एन इमोशनल मोमेंट, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड दैट, बट बीइंग अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट टाइटल, बीइंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन, आई वुड लाइक टू आस्क आवर जजेस टू शेयर फ्यू वर्ड्स फॉर दीज कंटेस्टेंट्स. त्रिशा के लिए मुझे भी बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि हम उसको बेटी बोल के इस दौरान हम बुलाया है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया. क्या करें, बहुत दिल में दुख होते हुए भी हमको ये नियम को पालन करना पड़ेगा, इसलिए ये ऐसा हो गया है. और फिर भी मैं त्रिशा को बोलता हूँ कि दिल छोटा मत कीजिए, अपॉर्चुनिटी विल कंटिन्यू टू कम इन योर लाइफ. फेलियर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस बोलते हैं. ओके, चांस आते रहेगा, मौका आते रहेगा, और आप यू कैन स्टिल डू वंडर्स इन दिस प्रोफेशन. ओके, आप कंटिन्यू कीजिए, और हमारा दुआ, हमारा आशीर्वाद एज ए सीनियर आपका ऊपर हमेशा रहेगा. थैंक यू सो मच. एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था रेड एंड क्राई. सूरज जीत ने स्टार्ट किया ये सब, उसका बुलाव. ऑब्वियसली ये जर्नी हमने हंसते खेलते स्टार्ट किया, और हम एक एज अ स्ट्रिक्ट जज बन के यहाँ पे बैठे थे. नो मैटर दैट बैक स्टेज आई वॉज गाइडिंग माई स्टेट, एंड आई वॉज सो मच इन टच ओवर द फोन विद द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स. मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि वो ना आए. हम तो इनफैक्ट क्रिएटिव टीम कमिटी मेम्बर्स को बोलते एक को डालो ना, दूसरा को डालो, बिकॉज हम चाहते थे कि टॉप जो 16 से लेके वो फिनाले तक 16 के 16 जाए और 16 ही विन करे. बट द फॉर्मेट ऑफ द शो इज लाइक किसी को जीतना है, किसी को हारना है. तो मेरा ये हमेशा है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम बींग अ जज, आई एम अ वुमन एंड आई एम अ पर्सन एंड आई एम एन आर्टिस्ट.
तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है, दैट कनेक्ट्स मी. तो आप लोग मतलब सिलेक्शन करने से ज़्यादा जो जा रहे हो उनको देख के बहुत दिल भर के आता है. एंड आई वी डिड नॉट वॉन्टेड कि किसी का भी दिल टूटे. यहाँ पे बैठ के वी ट्राई आर बेस्ट कि हर कोई खुशी से आगे जाए या खुशी से बैक हो, जो भी हो लेकिन खुशी हो. तो वी डोंट नो कि वी होप कि हमने अच्छा ही डिसीजन दिया होगा. फिर भी एक हार्ट ब्रेक होता है ना कि हमारे डिसीजन की वजह से कोई आगे नहीं जा पाया. उन्हें बहुत सपना बुना होता है, एक ड्रीम होता है कि मैं ये होगा तो ये करूँगी वो करूँगी, अपना अपना सोच होता है. तो वो सोच के आगे हमारा पेन से प्लस या माइनस होने से मतलब उनका फ्यूचर में एक प्लस भी हमारे थ्रू होता है और एक माइनस भी हमारे थ्रू. तो जब वो माइनस होता है ना तो बहुत ज़्यादा दिल पर लगता है. बट स्टिल जितने भी आप लोग यहाँ पे हो, आप लोग आउटस्टैंडिंग ऑसम परफॉर्मर हो और आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. आई विश यू ऑल द बेस्ट. और मेरा जितना भी मैं भगवान से आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा प्रे करना चाहती हूँ. बस भैया शिशिर, आपने बहुत 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 अच्छा गाया. सूरज, अनूप, त्रिशा, आप तो बहुत छोटी हो, अभी आप अगर रोने लग गई तो कैसा होगा? आपको बहुत सीखना है, बहुत आगे जाना है कि नहीं? और तापस, मैं बहुत, हम लोग एक्चुअली इनफैक्ट बहुत खुश हैं कि मैंने आपको पहले बताया था, मुझे डर लग रहा था कि आप अपना डिक्शन कैसे ठीक करेंगे, लेकिन आपका इम्प्रूवमेंट हमने देखा. आपने कितना दिल से और कितना अच्छा से गाया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. दिल दुखाने का बात है नहीं ये, और हम लोग आप लोग को कंसोल नहीं कर रहे कि अरे आपने जीता नहीं, दिस इज नथिंग. किसी को एक को तो रहना था, ये तो आपको पहले से पता है, आप सबको पहले से पता है कि नहीं? एक को रहना है, एक को जाना है, दिस इज द फॉर्मेट. तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आप खराब गाते हैं, अनु खराब गाता है या सूरज खराब गाता है, सब लोग अच्छा गाते हैं. सो मैं जब बैक स्टेज जाऊंगा आप सबको स्माइलिंग करना देखना चाहता हूँ. यू शुड ऑल स्माइल. ऐसे मुंह लटका के बैठे हैं, दिस इज नॉट, देखो आकाश कैसे स्माइल कर रहे हैं, ऐसे इसको देख देख के स्माइल करो आप लोग. सो चीयर अप, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. ओके, थैंक यू सो मच. तो चलिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए हमारे इन सभी कंटेस्टेंट्स के लिए. थैंक यू सो मच. आप बैक से जाके बैठ सकते हैं एंड यू कैन मीट योर कंपनीज देम. थैंक यू सो मच. फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को मिल गया अपना पहला टॉप 5 फाइनलिस्ट ऑफ फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट आइडल बीइंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भिड़ेंगे ग्रैंड फिनाले में जहां ये कोशिश करेंगे कि वो बने द विनर ऑफ फर्स्ट एवर नॉर्थ ईस्ट आइडल बीइंग नॉर्थ ईस्ट इंडियन. यानी कि अगले एपिसोड में नॉर्थ ईस्ट को मिलेगा अपना पहला नॉर्थ ईस्ट आइडल सेंसेशन. तो जानने के लिए कि वो कौन होंगे, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ. तब तक के लिए कीप वोटिंग, कीप वॉचिंग डीडी अरुण प्रभा.